इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना जलवा बिखेरने के बाद क्रिश और शालिनी की जोड़ी रोहतक पहुंच चुकी है। पहले तो मजाक लगता था बट अब हाँ लगता है कि कुछ तो किया है, अंदर से फीलिंग आती है हाँ भाई कुछ तो किया है, तभी लोग इतना पहचान रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। अभी IGT में जो भी एक्ट हुआ है मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ वो इंडिया में तो छोड़ो, कुछ एक्ट तो वर्ल्ड में भी किसी ने नहीं किए। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए कोरियोग्राफर के साथ क्रिश और शालिनी खुद मौजूद हैं, तो आज की जो वार्ता है कुल मिलाकर उनकी मेहनत किस तरीके से इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज तक पहुंची वो बताने वाले हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित राणा है मैम जी। कब से जो है तैयारियां आपने शुरू की हैं? एक्चुअली मैम मैं पिछले 10 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे लिए कोई स्टेज आएगा उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, हम हमेशा रेडी रहते हैं। क्रिश मेरे पास पिछले 7 साल से है, शालिनी मेरे पास 5 साल से है, तो इनके डुओ को तैयार होते हुए आज 5 साल हो गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं था कि IGT या इंडियाज गॉट टैलेंट आएगा हम उसी में जाएंगे, हम रेडी थे कि कोई भी स्टेज मिलेगा बच्चे वहाँ पर जाके प्रेजेंट करेंगे और हमेशा हम उसी की तैयारी में रहते हैं मैम। कोई भी स्टेज मिले उसके लिए बच्चे के लिए ये होता है कि एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, कितना मान रहे हैं क्रिश और शालिनी को या फिर ऐसी तमाम जोड़ियों को या जो भी रोहतक से निकले हैं ऐसे कई युवा कलाकार, तो उनको कितना एक बढ़िया एक्सपोजर बॉलीवुड के स्टेजेस जो रियलिटी शोज होते हैं वो दे रहे हैं? मैम एक्चुअली क्या है ना, रोहतक से मोस्टली जो भी निकले हैं, मैं क्लियर बोल देता हूँ, मैं पिछले 10 साल से रियलिटी शोज कर रहा हूँ, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज अकेडमीज भी की हुई हैं, उन सबको लेके जाने वाला मैं ही हूँ मैम। और ऐसे क्रिशोर के साथ भी आने वाले इन फ्यूचर में भी बहुत सी ऐसी जोड़ियाँ हैं मेरे पास जो रोहतक को प्रेजेंट करेंगे, हरियाणा को प्रेजेंट करेंगे, और मतलब सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे ये सब देख के, जैसे क्रिशोर शालिनी को सभी ने देखा फायर में किया, ट्रपीज किया, जजिस के ऊपर ट्रपीज एरियल किया, सब कुछ किया। ऐसे मेरे पास बहुत से ब्लास्ट रखे हुए हैं जो मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर सब लोग देखें और हरियाणा में हमें सपोर्ट मिले मैम। टॉप 8 तक आना बहुत बड़ी बात होती है हरियाणा के किसी भी ऐसे कलाकार के लिए या ऐसी कला को बिखेरने के लिए, तो कितना एक इधर लकी मान रहे हैं या मेहनत रंग लाई? मैम लकी नहीं बोल सकता मेरे बच्चों की, बहुत मेहनत है। अभी भी क्रिश को बहुत चोट आई है, शालिनी को भी हेड पे चोट लगी थी, उसको मैम लकी नहीं बोल सकता। मैं अपने हर स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं भी अपनी सिटी से यहाँ आया हूँ, मैं प्रॉपर सिरसा से हूँ, बट मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए इस सिटी में रहता हूँ। इन सभी को पता है ये मेरी सिर्फ फैमिली है, अगर मुझे मेरे घर की याद आती है तो मेरे बच्चों के पास जाता हूँ, इनको कॉल करके बोलता हूँ कि मैं अकेला हूँ आप लोग आ जाओ, ये आते हैं तो हम प्रैक्टिस पर जुड़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैम कुछ लकी या अनलकी, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती मैम। कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मैम मुझे तो 15 साल हो गए करते हुए, बच्चे भी अभी बहुत अच्छी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी ये मेरा अपना स्टूडियो है रोहतक में या मैं जो भी कर रहा हूँ आज सब बच्चों की वजह से कर रहा हूँ। बच्चों ने मुझे रोका, इस सिटी में मुझे रोका, उससे पहले मैं कोलकाता था, बीट ब्रेकर्स ग्रुप रेडी किया जो आज भी टॉप लेवल पे है। यस मैम, सबसे पहले हम लोग सिरसा से गए थे एक्रोबेटिक बॉयज़, फिर इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा उसमें गए, टॉप लेवल तक रहे थे। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि रोहतक में रहकर, क्योंकि हरियाणा तो मेरा ही है ना, सिरसा अलग हो सकता है रोहतक अलग हो सकता है पर हरियाणा मेरा है, ये हरियाणा की बात है, तो मैं यहीं पे और रुक के काम करना चाहता हूँ और अपने हरियाणा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगला कदम आपकी एकेडमी की ओर से किस रियलिटी शो पर धावा बोलने का है? जो भी आए मैम, हम तो AGT की भी तैयारी कर रहे हैं मैम, इंडियाज गोट टैलेंट के अलावा मैं चाहता हूँ कि क्रिश और शालिनी इसी साल अमेरिका गोट टैलेंट भी जाएं, हम उस लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे कुछ ऑडिशन भी हुए हैं, अब सब गोड पे है, जैसा उनको ठीक लगे, मेरे बच्चों की मेहनत जितनी होगी हम वहाँ तक जरूर जाएंगे मैम। कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों? मेरे पास दोनों बच्चे 5 साल से कंटिन्यू डुओ में प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम। इससे पहले किसी और शो में गए हैं? ये पहला इंडियाज गोट टैलेंट? हाँ, बच्चों का पहला इंडियाज गोट टैलेंट है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि क्रिश सिर्फ 16 साल का है और शालिनी 13 साल की है और वो इतने छोटे से एज में ही टॉप 8 और टॉप 10 तक जाके आए हैं। मतलब मेरी वहाँ पे एक फील्ड रहती है कि सुमित आता है कुछ ना कुछ लेके आता है, बट इस साल मेरे बच्चों ने मेरा नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैम। अभी शहरवासियों को या जो और अकेडमी में पार्ट लेना चाहते हैं उनसे क्या कुछ कहना? शहरवासियों को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, कृष्ण ने भी शालिनी ने भी हमने बहुत ज़्यादा अपील की थी सभी से और इन्हीं के प्यार की वजह से हम लोग टॉप 8 तक पहुंच पाए हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सिर्फ मेहनत करता रहूं, अगर मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा मैम हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हेल्प इन द सेंस सिर्फ
इतना भी कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो आप एक क्लैप भी कर रहे हो ना, आपके साथ 10 क्लैप आएंगे और हम खुश हो जाएंगे, वही हमारी मेहनत होती है मैम। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चा सीखना चाहता है या करना चाहता है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे स्टूडियो पे ही आएँ या मैं ही सिखाऊँगा, आप करो मेहनत, अब मेहनत करके कहीं पे भी जा सकते हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे पापा जी ने मुझे मना कर दिया था कि या तो आप प्रैक्टिस पे रहो वरना लेट नाइट घर नहीं आओगे, तो मैं वो सब चीज़ें समझ सकता हूँ। एक टाइम पे खाना भी होता है नहीं भी होता, बट अभी भी मेरे बच्चों के साथ भी ये होता है, मेरे साथ भी ये होता है, बट मैम जो मेहनत करता है ना वो कभी पीछे नहीं रह सकता। एरियल के लिए बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, तो ऐसी कौन सी मेनली दिक्कत आपको, फाइनेंशियली भी कह सकते हैं, ऐसे कोई इक्विपमेंट्स, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आई हो? मैम इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, रोहतक में जितने भी मेरे लिंक हैं, क्रिश के हैं, शालिनी के पापा के हैं, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की मैम, बहुत ज़्यादा कोशिश, सभी को बोला कि प्लीज़ हमें एक थोड़ी सी हाइट का ना स्पेस चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी हाइट का, क्योंकि हम वो चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको भी दिख रहा है, बट किसी ने हेल्प नहीं की मैम, किसी सिंगल पर्सन ने हमारी हेल्प नहीं की, किसी सिंगल ने भी नहीं, यहाँ तक कि हमारे पास मैट, मतलब जो मेरे एकेडमी के मैट हैं यहाँ पे भी क्लासें चलती है मैम, क्योंकि सब कुछ रेंट पे है, मेरा अपना नहीं है, क्लास भी चलानी जरूरी है, हम रेंट दें या मैं मेरे प्रैक्टिस पे जाएं, तो प्रैक्टिस पे यहाँ पे मेरे स्टूडेंट जो थे वो और संभाल लेते थे, हम जो क्रिश के घर से जो बेड पे मैट लगते हैं सोने के लिए वो सब निकाल के हम प्रैक्टिस पे लेके जाते थे, मतलब अगर आप हमारी वो प्रैक्टिस की वीडियो देख लो ना तो सभी को दिख रहा है कि अभी क्रिश शालिनी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं एक छोटी सी भी क्लिप दिखाऊँ ना हर कोई हैरान हो जाएगा कि ऐसे शुरू होता है, अपने हाथों से हर चीज़ बनाई है, अभी जो स्विंग वाला लास्ट टाइम किया था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब इंडिया में कभी भी नहीं हुआ, उसके लिए क्रिश के पापा, शालिनी के पापा, मैं खुद, एक दो भाई किसी को बुलाया, मिट्टी में हाथ डाला, मिट्टी को खोद रहे हैं, फिर उसमें बम्बू लगा रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट दे, उनको फील करा रहे हैं कि आप लोग नहीं डरोगे, डरो नहीं, और चार पाँच लोग ऐसे खड़े कर दिए हैं, बच्चे वहाँ पर स्विंग कर रहे हैं, कभी क्रिश डर जाता है तो शालिनी गिरी भी वहाँ पर और मैं भी वहाँ पर था, बट वही ना मैम, कोई हेल्प करता ही नहीं, क्या करें मैम, वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम है, वो रियलिटी है मैम, कोई बदल ही नहीं सकता, अभी बच्चे भी हैं, दोनों बच्चे, आप इनसे पूछो स्पेस के लिए, हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी, लास्ट टाइम क्रिश के भैया हैं उन्होंने एक स्पेस दिखाया था, उस टाइम तक हमें बॉम्बे जाना हुआ था, बट लास्ट टाइम हमने वहाँ पर प्रैक्टिस की, अदरवाइज मैम कोई प्रैक्टिस के लिए स्पेस भी नहीं देता है। तो अब जैसे ये अचीवमेंट कर आए हैं आप लोग, तो अब उनका रवैया कैसा है, क्या रुझान है आपके? और अभी तो मैम बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट तक भेजते हैं, देखो सर वोट्स किए हैं, अब मतलब मैंने भी क्रिश को भी बताया, शालिनी को भी बताया कि बेटा स्टार्टिंग के दो राउंड थे तो सभी को लगता था कि नहीं खेल के आ जाएंगे, सभी जाते हैं आ जाते हैं, बट नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चों ने कितनी मेहनत की हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सभी के स्क्रीनशॉट आते थे, अभी थोड़ा फील हुआ था कि नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, उसके बाद जैसे अभी आए हैं फिर से, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि जीत या हार, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा से होता आ रहा है, जब लाइफ में कभी ऐसा इतनी मेहनत होगी ना मैम कि हम जीतने वाले हैं तो हम पक्का जीत के आएंगे, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि लक होगा, लक नहीं होगा, मेहनत बोलेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्रिश और शालिनी से भी जो है बात करेंगे। क्रिश और शालिनी अब इंडिया के लिए मेरे हिसाब से अब ब्रांड बन चुका होगा, तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है? हाँ कुछ कुछ आती है, अभी जैसे कॉल्स भी आते हैं, DM भी आते हैं कि बिग फैन बिग फैन, पहले तो मजाक लगता था बट अब हाँ लगता है कि कुछ तो किया है, जैसे परसों ही हम आए यहाँ पे रोहतक वापस, ट्रेन में हमको लोग मिले वो पहचान रहे, सेल्फी ले रहे, ओला कैब करी उसमें लोग पहचान रहे, सेल्फी ले रहे, फिर हाँ अंदर से फीलिंग आती है हाँ भाई कुछ तो किया है, तभी लोग इतना पहचान रहे और प्यार दे रहे। तो इस प्यार के लिए जो इतने सालों की मेहनत है, मान रहे रंग लाई है? जी बहुत ज़्यादा रंग लाई है, हमने मेहनत की, हमारे सर ने मेहनत की, और हमारे साथ जितने भी हमारे अकेडमी पे हमारे साथी हैं, आकाश भी है, टिशा दी और भी दीपक सर भी हैं, सब ने हमारा साथ दिया, प्रैक्टिस में हमारे साथ खड़े रहते, आपने स्टेज पे हमको अकेला देखा बट हमारे पीछे बहुत सारे लोग लगे थे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करना, खास तौर से हरियाणा की बात की जाए तो, ऐसे निकल कर लाना, पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? मैम बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में तो डर लगा था कि इतने सारे ऑडियंस के सामने हमें करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हुई थी, बट अगर सर नहीं होते हमारे साथ तो शायद हम वहाँ तक ही पहुँचते, सर ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपना काम छोड़ा है, स्कूल छोड़ा है, तो सर को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि सर ने हमें इतने बड़े स्टेज दिखा दिया। पेरेंट्स का क्या रुझान रहा था आपकी ओर? मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बीच में दादा ने बंद कर दिया था बट अब वो भी करने लग गए, उनके साथ साथ पूरी फैमिली सब लोग सपोर्ट करते हैं।
आपकी फैमिली की ओर से क्या? मेरी फैमिली की ओर से तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट आता है, सब लोग कहते हैं बस कर, तू जितना कर सकता है कर, बाकी काम पीछे खड़े हैं, जब भी कोई दिक्कत आएगी हमसे शेयर कर और तू बस करता जा। तो जैसे अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, अभी जैसे आपके सर ने बताया आपने 7 साल पहले शुरुआत की, इन्होंने 5 साल पहले शुरुआत की, एरियल ही क्यों चुना या मतलब इसी की तरफ ही क्यों? हमें इंडिया में कुछ यूनिक करना था, जो कि आप सबने भी देखा अभी IGT में जो भी एक्ट हुआ है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ वो इंडिया में तो छोड़ो, कुछ एक्ट तो वर्ल्ड में भी किसी ने नहीं किए, तो हमको कुछ यूनिक करना था इसलिए हमने एरियल ट्राई किया। एरियल के साथ साथ हमने ट्रेपीज ट्राई किया, ब्लाइंड फोल्ड ट्राई किया, फायर ट्राई किया एंड बहुत सारा, तो हमको बस सब में अलग पहचान बनानी थी। आप देख रहे हो IGT में सब लोग डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, बट जो हमने किया मेरे हिसाब से वो इंडिया में किसी ने नहीं किया अब तक। तो नेक्स्ट कदम आपके ओर से, आपके डुओ की ओर से क्या जनता को, दर्शकों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट? अभी जैसे सर ने बताया कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे ट्राई कर रहे हैं कि हमारा चांस लगे, और हमें उम्मीद भी है कि हमने जितना किया है जो कर रहे हैं ज़रूर चांस लगेगा और हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगी, शालिनी 13 वर्ष की है और क्रिश जो है 16 वर्ष का है। इस मतलब इतने 5 से 7 साल पहले इन्होंने ये मेहनत शुरू कर दी थी जो आज कुल मिलाकर रंग ला रही है। सिर्फ एक की नहीं, कई हाथ जो है इनको सपोर्ट दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि सिर्फ हरियाणा या रोहतक से खेलों में ही बढ़ावा आगे नहीं मिलता, बल्कि डांस की बात की जाए, सिंगिंग की बात की जाए, आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हाथ रोहतक का भी ऊँचा है। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।